यद्यपि रूप गुणशील सुघरता इन बातन न रिझाइए। कोई बहुत ज़्यादा रूप मिल जाए तो भगवान को कोई रिझा नहीं सकता। गुणवान भगवान को रिझा नहीं सकता, बलवान नहीं रिझा सकता, धनवान नहीं रिझा सकता, बहुत विवेकी मनुष्य भगवान को नहीं रिझा सकता। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़िए। गोविंद प्रभु बिना स्नेहरी आली रसना कहाँ न चाहिए, प्रियतम प्रीति ही सौंपइए। भगवत प्राप्ति का माध्यम तो केवल प्रेम है, केवल प्रेम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास जाकर एक बार शाहजहां ने बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की कि बीरबल के जैसा विवेकी कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बादशाह, जिसकी बुद्धि का प्रयोग केवल संसार को रिझाने के लिए ही हुआ है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी हो जाए तो क्या लाभ है। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, सुरेशम से कछु नाही घटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, हजारों हाथी घोड़ा खड़े हैं, खूब वैभव प्राप्त हो गया है। जस कीरत हु जग में प्रकटी है, खूब यशस्वी हो गए, सारा संसार में नाम हो गया। लेकिन तुलसी एक राम स्नेह बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई बहुत सुंदर स्त्री हो, ऊपर से नीचे तक वस्त्रालंकार से सजा धजा दिया जाए, पर उस स्त्री की नाक काट दी जाए तो सब सुंदरता धूल में मिल जाती है। बिना भगवत प्रेम की प्रधानता के संसार के जितने रूप गुण धन आदि हैं, ये सब निरर्थक हैं, इनके पाने न पाने से कोई लाभ नहीं है। उद्धव जी जैसा ब्रह्मज्ञानी कौन हो सकता है, पर उद्धव जी के ब्रह्म ज्ञान की शोभा तब तक नहीं है जब तक कि भगवत चरणों के प्रति प्रेम की महिमा को वे नहीं समझ जाएंगे। उद्धव जी महाराज भगवान को ही ब्रह्म ज्ञान देने लगे। उद्धव जी कह रहे हैं, गोपिन में आप में वियोग और संयोग हूं मैं, एक है भाव चाहिए सचोप ठहरायो है। आप ही सो आपको मिलाप और बिछोह कहा, मोह यह मिथ्या सुख दुख सब ठायो है। महाराज ऐसे मोह को क्यों प्राप्त हो रहे हो, आप सर्वगत सर्वमय सर्वव्यापक सर्वनियंता सर्वत्र और सर्वदा हैं। आपका आपसे न कभी मिलन है न कभी वियोग है, जो सर्वत्र है उससे संयोग वियोग क्या होगा। भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव तुम यह निश्चय जानो, मन वच क्रम में तुम ही पठावत ब्रज को करो पयानो। पूर्ण ब्रह्म अलख अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता। आप उस अलख अविनाशी ब्रह्म का आपको ज्ञान है जिसके माँ बाप नहीं है, कोई रूप रंग आकार स्वभाव नहीं है। यह मत दे गोपिन को आवहु विरह न मन में भावत, सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आवत। उद्धव जी मैं भी यही चाहता हूँ, एक बार आप ये ब्रह्म ज्ञान गोपियों को दे आएं, और अगर गोपियाँ विरह से मुक्त हो जाएं तो फिर हमें रोने धोने की क्या जरूरत पड़ेगी, हम भी मुक्त हो जाएंगे। उद्धव जी महाराज निश्चय करके चले हैं, दो चार दिन में तो बिल्कुल गोपियों का रोना धोना बंद करा के आ जाएंगे। और उद्धव जी महाराज जब चले हैं, ब्रज भूमि में पहुंचे हैं, वासुदेव धियार चयत, जैसे ही नंद सदन में प्रवेश किए हैं, उद्धव जी का स्वरूप श्री ठाकुर जी के जैसा ही है। नंद बाबा को ऐसा लगा मानो उनका कन्हैया आ गया, दौड़ पड़े। उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, नंद जी मैं श्री कृष्ण का सखा उद्धव हूँ और आप सबको वियोग ज्वर से मुक्त कराने आया हूँ। उद्धव जी महाराज जब विश्राम कर लिए हैं तब एक प्रश्न नंद बाबा ने उद्धव जी से किया है, दिष्ट्या कंसो हतः पापः स्वानुगः स्वेन पापमना। जिस समय कंस को श्री ठाकुर जी ने मारा है श्याम सुंदर ने, उस समय नंद बाबा भी वहां बैठे हुए थे, पर देखो वात्सल्य, नंद बाबा के सामने श्री कृष्ण ने कंस को मारा है, पर उद्धव जी से क्या कह रहे हैं, नंद जी हमारा लाला कंस को नहीं मार सकता था, वह तो बड़ा सुकुमार है, कंस के पापों ने कंस को समाप्त कर दिया। उद्धव जी
अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदा सखीन गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। श्री कृष्ण कभी हमें याद करते हैं कि नहीं करते, हमें करें न करें, गोपी ग्वालों की याद करते हैं कि नहीं, गिरिराज गोवर्धन यमुना जी और गैयाओं की याद करते हैं कि नहीं करते। अच्छा छोड़िए सब बातें, एक बात कह दीजिए, आप्यायास्यति गोविंद स्वजनान शुक्र दीक्षितुम। श्री कृष्ण ब्रज में आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारो कन्हैया ब्रज में आएगो कि नहीं आएगो, आप इस बात का उत्तर हमें दे दें। और उद्धव जी हम आपको पहले ही बता दें, आपने यदि परिहास में भी कह दिया कि कृष्ण नहीं आएंगे तो मैं तो क्या ब्रज का बछड़ा भी जीवित नहीं रह पाएगा। उद्धव जी के तो रोम खड़े हो गए, अच्छा हुआ नंद बाबा ने पहले कह दिया, और सीधे ब्रह्म विद्या का उपदेश देने लगते तो ब्रजवासियों की हत्या का पाप लेके जाते। अब तो उद्धव जी महाराज बड़े संभल के बोलने लगे, एक प्रेमी से कोई ये आके कह दे हाँ तुम्हारा प्रेमास्पद तुम्हें याद करता है वो जरूर लौटेगा, अब वो कब लौटे मत बताओ कोई समस्या नहीं, पर वह आएगा, इतनी सी बात यदि कोई कह दे तो प्रेमी के प्रत्यागमन की सूचना ही प्रेमी के लिए प्राण धारण के लिए बहुत बड़ा आधार है। यही भाव तो मीराबाई ने कहा, कोई कहियो रे पिय आवन की, कोई कहियो रे पिय आवन की, कोई कहियो रे पिय आवन की, कोई कहियो रे पिय आवन की।
यास्यति गोविन्दः। स्वजनान् सुकृदीक्षितम्। श्रीकृष्ण ब्रज में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, नंद बाबा ने प्रश्न किया। नंद बाबा, श्री उद्धव जी महाराज नंद बाबा को उत्तर दिए हैं। आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः। नंद जी आप चिंता न करें, श्री कृष्ण बलराम अति शीघ्र ब्रज में लौटेंगे। जैसे ही श्री उद्धव जी महाराज ने अति शीघ्र लौटने की चर्चा की है, यशोदा मैया का हृदय वात्सल्य से ऐसा भर गया। श्रणवंत्य श्रोण्य वासराक्षीत स्नेह स्नुत पयोधरा। यशोदा मैया को तो ऐसा लगा कन्हैया आएगा नहीं, कन्हैया आ गया। ऐसा वात्सल्य उमड़ा, मैया के पयोधरों से दूध स्रवित होने लगा। पुत्र स्नेह स्रवित पयोधर पुलकित अति हर्षानी। गोविंद प्रभु गुटरुन चले आए पकरी रई मथानी। गोविंद स्वामी जी का पद है ये। अत्यंत वात्सल्य का लक्षण है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, पयोधरों से दूध स्रवित हो रहा है। मैया ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा, मौन है, कुछ बोल नहीं पा रही है। हाथ पकड़ के यशोदा मैया उद्धव जी को उन उन स्थानों को दिखाने लगी। उद्धव जी, ये वह स्थान है जहाँ कन्हैया भोजन किया करता था, ये वह स्थान है जहाँ कन्हैया दूध दुहता था, यह वह स्थान है जहाँ कन्हैया मेरे साथ शैया पर शयन किया करता था। और जब उखल बंधन लीला का स्थल सन्मुख आया, मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। ये वह स्थान है जहाँ मुझ जैसी निर्दय निर्मम मैया ने दूध दही जैसी छोटी सी चीज पर अपने लाला को उखल से बांध दिया। मेरा हृदय नहीं फट गया, मेरे हाथ चूर्ण चूर्ण होकर नहीं बिखर गए। उद्धव जी, मैं ही वह निर्मम माँ हूँ और वही माँ का हृदय पाषाण हृदया माँ हूँ। कन्हैया चला गया और मैं जी रही हूँ। उद्धव जी महाराज संपूर्ण रात्रि कृष्ण चर्चा किए हैं, प्रयास कर रहे हैं ब्रह्म विद्या का बीच बीच में उपदेश करने के लिए। उद्धव जी महाराज कहे हैं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। हे नंद यशोदा, उस अविनाशी ब्रह्म की उपासना करो जिसके न माँ है, न बाप है, न रूप है, न रेखा है, न स्वरूप है, न रंग है, न गुण है, न आकार है। बड़ा सुंदर नंददास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, यह सब सगुण उपाधि रूप निर्गुण है उनको, निराकार निर्लेप लगत नहीं तीनों गुण को। हाथ न पांव न नासिका नैन बैन नहीं कान, अच्युत ज्योति प्रकाश ही सकल विश्व को प्राण। नंददास जी कह रहे हैं वो निर्गुण है, निर्लेप है, निराकार है, अच्युत ज्योति मात्र है, उसका ध्यान करो जो सर्वगत है, सर्वमय है, सर्व रूपों में है। यशोदा मैया कह रही हैं, जो मुख नाहिन हुतो कहो किन माखन खायो। नंददास जी का भ्रमर गीत है, बहुत सुंदर। उद्धव जी आप कहते उसके मुंह नहीं है, मैं कैसे भरोसा कर लूं, मैंने हाथों से लाला को मुंह में माखन खवाया है। जो नाहिन मुख हुतो कहो किन माखन खायो, पायन बिन गोसंग कहो बन बन को धायो। आप कहते हैं पैर नहीं है, मैं कैसे मान लूं, हमारो लाला रोज गैया चराए वे नंगे पैर दौड़ते भर जाते। आखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हाथ, नंद यशोदा पूत हैं कुंवर कान ब्रजनाथ। हमने तो आंखों में अपने हाथ से अंजन आंजा है, हमने कन्हैया को गिरिराज उठाते देखा, हम कैसे मान ले उसके हाथ और आंख नहीं है। नंद यशोदा पूत हैं को वसुदेव को देव की नंदन को जाने को बूझे। आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है, हमारे तो उर में माखन चोर गड़े।
हमने तो अपने सामने खेलते खिलाते नाचते कूदते जिस कन्हैया को देखा है उसके अलावा हमें किसी दूसरे कृष्ण की स्मृति नहीं है। संपूर्ण रात्रि इन्हीं चर्चाओं में निकल गई। उद्धव जी को नहीं पता सवेरा हो गया, नंद बाबा स्मरण करा रहे हैं, उद्धव जी दिन चढ़े आया है, अन्य कृत्य नहीं करेंगे, आज स्नान भी आपने नहीं किया है। तब उद्धव जी महाराज गए हैं यमुना स्नान करने और वहाँ यमुना जी के किनारे टोल के टोल गोपांगनाओं को जब बैठे हुए देखा है, खड़े होके उनकी चर्चाओं को सुन रहे हैं, गोपियाँ परस्पर चर्चा कर रही हैं, इन महापुरुषों की वाणी में बड़े सुंदर ये सब भाव मिलते हैं। निशदिन बरसत नैन हमारे, कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच बहत पनारे। जब से श्री कृष्ण गए हैं गोपियों का कंचुकी पट नहीं सूखा, ऐसे जर्जर अश्रु जरते हैं। एक गोपी कहती है, हो तादन कजरा दई हो, जादन नन नंदन के नैनन अपने नैन मिलई हो। श्रृंगार करना छोड़ दिया है, अरे गोपियों की जैसी उपासना कौन कर सकता है। आदि पुराण में स्वयं भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, निजांगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते। गोपियों ने अपने शरीर को कभी अपना शरीर समझ के खिलाया पिलाया नहीं है, अपने शरीर को अपना शरीर समझ के कभी सजाया धजाया नहीं है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, जिन्होंने अपने शरीर को भी मेरे सुख के लिए ही खिलाया है, मेरे सुख के लिए ही जीवित रखा है, मेरे सुख के लिए ही सजाया है, उन गोपियों से बढ़कर मेरा प्रेमी कौन हो सकता है। गोपियाँ अपने अपने अनुभव कहने लगी। हमें रात्रि में श्याम सुंदर का स्वप्न में आलिंगन मिला। कोई बोली, मैंने स्वप्न में अपने घर में माखन चोरी करते कन्हैया को देखा। कोई बोली, मैंने गोवर्धनोद्धरण लीला को देखा। श्री जी मूक हैं। सखियों ने श्री जी से पूछा, हे स्वामिनी जू, क्या आपको कोई अनुभव नहीं होता है। श्री राधा रानी बोली, या पश्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ता सखी योषिता, अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरणी। तुम धन्य हो ब्रज देवी हो, तुम्हें कृष्ण के जाने के बाद कम से कम स्वप्न दर्शन का सुख तो मिल जाता है, पर जब से श्री कृष्ण गए हैं मेरी तो बैरन नींद ही चली गई है।